जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा, आप लोग की सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं अभी अपने बेटे को लिखना सिखा रही थी, तो वो लिखना सिखाते सिखाते फिर मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद मेरा ये है कि मेरे साथ के मैंने ना अभी उल्टी जुबान वाले की वीडियो देखी थी, तो मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ, इससे पहले मेरे पे उसके असरात होने लगते हैं, क्योंकि उसकी जुबान उल्टी है। और मैंने उसको ना देख लिया ऐसे खाते हुए फल वगैरह, तो मेरा दिल बिल्कुल फल खाने को नहीं कर रहा था, तो वो फल खा था। जैसे ना कोई पुरानी सी मशीन स्टार्ट उसने कर ली थी और उसके ज़रिए वो फल खा रहा था, तो उसने ना वो मशीन अपने मुंह में चलाई हुई थी, तो खच्चर 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 फल खाने में मतलब था, जैसे कि ग्राइंडर अपने मुंह में लगवाया हुआ था, तो ग्राइंडर के ज़रिए ना खाना खा रहा था। ज़्यादा शोर मचार था। और पहली बड़ी बात ये है कि वो जी हमारा आंटी के साथ बैठता है खाना खाने के लिए, तो देखें ये बात नहीं होती है कि ये बंदा छोटा हो बड़ा हो, किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। तो वो उसके साथ इतना ज़्यादा लगाव करता है, इतना ज़्यादा उसके साथ बैठता है, तो उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, हमारा को भी समझना चाहिए कि मतलब वैसा सब क्यों कर रहा है। बाकी मर्ज़ी हर किसी की अपनी है, उसको अली भी पसंद है तो कोई बात नहीं। तो बाकी उसके दिल में सीना है, कहने लगी थी मैं, सॉरी, उसके सीने में भी दिल है, तो बेचारे ने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है हर वीडियोज़ में। मैं ख़ास तौर पर गौर करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे करके भी देख रहा होता है हमारा को, मतलब अगर 3-4 पहियाँ बची हुई है ना वहाँ पे, तो उसने उस 4 पहिए पे बैठना जिस पे हमारा बैठी है, मतलब हमारा से इतना सा सिर्फ से फासला रख के बैठना है। वो भी इतना सा फासला वो क्यों रखता है? क्योंकि अलीवीर उसके रास्ते की रुकावट है। अगर अलीवीर ना हो तो फिर वो इतने से फासले को इतने से फासले में बदल दे। लेकिन चले कोई नहीं, जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनको पसंद है नहीं पसंद है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम आगे बात करते हैं। आगे आप टीपूवीर तो जानते ही हैं, काफ़ी अलीवीर के घर में गुस्सा रहता है, अलीवीर के साथ आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा है, उसका सब कुछ करना ये वो। अभी देखें कल ना वीडियो, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वीडियोस ज़्यादा देखती नहीं हूँ किसी की, इनके ये बुलेट्स वगैरह के आ जाते हैं मेरे, जो नोटिफिकेशन इनके मैंने किया हुआ है, तो या कुकिंग में नाज़रीन की मैं वीडियोस देखती हूँ, तो और किसी की नहीं देखती। ये अलीवीर वगैरह जो हैं ये उनके साथ साथ खुलते ही रहते हैं ना, निकलाते हैं फिर नीचे, अदरवाइज मैं किसी की नहीं देखती, यूट्यूब ऑन ही नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा दिन में। अच्छा जी, अब टीपूवीर ने जी एक थंबनेल लगाया हुआ, मैं आ जा, काफ़ी अलीवीर के घर में गुस्सा रहता है, अलीवीर के साथ आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा है, उसका सब कुछ करना ये वो। अभी देखें कल ना वीडियो, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वीडियोस ज़्यादा देखती नहीं हूँ किसी की, इनके ये बुलेट्स वगैरह के आ जाते हैं मेरे, जो नोटिफिकेशन इनके मैंने किया हुआ है, तो या कुकिंग में नाज़रीन की मैं वीडियोस देखती हूँ, तो और किसी की नहीं देखती। ये अलीवीर वगैरह जो हैं ये उनके साथ साथ खुलते ही रहते हैं ना, निकलाते हैं फिर नीचे, अदरवाइज मैं किसी की नहीं देखती, यूट्यूब ऑन ही नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा दिन में। अच्छा जी, अब टीपूवीर ने जी एक थंबनेल लगाया हुआ, मैं आज आपको बताता हूँ अलीवीर की असलियत। मैंने कहा अलीवीर, मुझे तो पता ही है, जहाँ भी ऐसा थंबनेल होता है तो अंदर कोई ना कोई खुराफाती छड़ी होती है उन्होंने। अच्छा जी, मैंने ना उसकी वीडियो देख ली, तो अंदर उसने इतनी ज़्यादा अहम बातें की हुई थी कि यकीन करें अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप लोग के भी होश उड़ जाएंगे, कि मतलब ऐसा सब भी हो रहा है दुनिया में कि इतनी ख़ास बातें इस आदमी ने हमें बताई हैं। ऐसी बात मैंने भी नहीं ऐसी बातें पहले कभी सुनी थी, यकीन करें कि मैंने भी कल इसकी बातें सुनी हैं, तो मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ कि ऐसा सब हमारी दुनिया में हो रहा है और हमें अपने घरों में बैठे पता नहीं है। बाहर उसने थंबनेल लगाया हुआ है कि अलीवीर की असलियत, और अंदर उसने इतनी ज़्यादा उसकी असलियत बताई है अलीवीर की, कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि अलीवीर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हर बंदा गलत होता है, मैं भी इसको कहती थी, लेकिन अंदर जो उसने असलियत बताई है वो अगर मैं असलियत आपको बताऊँ तो आप लोगों को समझ आएगी कि किस कदर इमोशनल उसकी वीडियो थी। अंदर उसने वीडियो में जिक्र किया जी मैं अपने पापा के दंद लगवाए थे बाजी दे, तो वो दंद, मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी, मैंने कहा शायद कोई मेरे मतलब की बात हो, तो वो दंद ना उन्होंने सही नहीं सी बैठे, उन्होंने बड़ी तकलीफ सी रोटी रोटी खाण से, खाना पीना खाण से, तो फिर उन्होंने ना मैं दंद लवाते, तो हूँ उन्होंने दंद नहीं है मूँह से, तो मैं डॉक्टर को टाइम लिया से इतने के जो डॉक्टर हैं उन्होंने खराब दंद ला देंगे उन्होंने, तो फिर वो दंद उन्होंने चुभन लग जाते हैं, फिर वो दंद लवाने पैंदे आ। तो हूँ मैं जो जाना सगा शहर, तो मैं कह रहा शहर जाकर उन्होंने दंद लवाव,
ਹੁਣ ਦੰਦ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਸਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੀ ਇਸ ਕਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਥੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਂਸੂ ਆਤੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੀ ਵੀਰ ਕਿਸ ਲਈ ਬਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੀ ਵੀਰ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾਂਤ ਹੈ। ये दांतों की वीडियो थंबनेल देखो, कोई तो अंदर मेल मिलाप रखा करो ना चीज़ के, कि बंदा कोई तो चीज़ समझे कि हाँ जी थोड़ा सा ऐसे मतलब मिल रही है, कोई अलीवीर का जिक्र नहीं, तुमने तो दांतों के अलावा बात ही नहीं की। चलो दांतों का तुम जिक्र कर रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो, क्या थंबनेल बना रहे हो तुम लोग, अजीब भी हो तुम लोग, पैसे कमाने के लिए कुछ भी लिख दे चले जाए। है कि मेरी कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी तो है नहीं है, जो वहाँ पे स्क्रॉल करते हुए चीज़ आ जाती है मैं वो देख लेती हूँ, और उस पर मैं वीडियो भी देखें, ऐसा थंबनेल बनाएंगे तो किसी को भी अट्रैक्ट तो करेगा ना कि हाँ इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो मैंने भी रुक के वहाँ पर देखना शुरू कर दिया, अब हर बंदे की नेचर है, तो आप ऐसी चीज़ें ले जाए ना कि जो बंदे को समझ भी अंदर, आप कह रहे हैं कि दांत रखे हुए निकलवा के और उन्होंने लुहान जाना वहाँ, तो अच्छा चले फिर लगवा लें आप लोग, आप लोगों की मर्जी है। वीडियो तो आप लोगों ने दांतों पे भी बना ली, कुछ किस्मत दांत है जिन पे इतनी वीडियो बन गई, व्यूज़ भी आ गए हैं। चले जी दांतों की बात तो हमारी हो गई है, अब ये है कि अगली बात करते हैं नसरुल्ला वीर को, तो आप लोग जानते हैं जो बिना गर्दन का आदमी है, गर्दन तो उसके सिरे से नहीं है, पैदाइशी गर्दन नहीं है, डॉक्टर ने जो पैदा हुआ था डॉक्टर ने कहा था आपको ऊपर वाले ने बेटा दिया है, पर वो बिना गर्दन का है। तो बिना गर्दन के बेटे ने आगे से दो बेटे और भी पैदा कर लिए हैं, जो कि उन्होंने अपना बेबी बेबी है, बेबी को अक्सर वो छालते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, बेबी आता रहता है वीडियो में घुसता रहता है, तो बेबी बेबी नहीं दिखा रहे, बेबी की बेबे ज़रूर दिखा रही है उन्होंने, माँ ज़रूर दिखाने लग गए हैं अब, ये कि बेबी नहीं आ रहा अभी कैमरे के सामने, अभी मेन हीरो की एंट्री बाकी है, अभी हीरो नहीं आ रहा है, हीरो भी लाल रंग के कंबल में होता है। तो वो हीरो की माँ की बातें इतनी ज़्यादा इमोशनल थी। अच्छा जी अब हीरो की बातें, हीरो की नहीं बातें, हीरो की माँ की बातें। हीरो की माँ ने हीरो को अपनी गोदी में लिया हुआ है और और जी अगली बात ये कर रही है हीरो की मम्मा, जो बजफियाज है, बजफियाज बजबुलड़ी है, बजफुलड़ी ने रो रो के उन्हें गीजर गीजर नहीं स्पिनर लेके दिया था और लेके देना था, कि पता नहीं मुझे ये बात उनकी समझ नहीं है, कि सब मैं भी बिजी थी, बस वीडियो चल रही थी, मैं देख रही थी सुन रही थी। तो ये है कि स्पिनर लेके देना था, ले दिया है, पता नहीं नहीं लेके दिया है या लेना है, क्या कोई चक्कर है। तो जी यहाँ पे इतना रोना रोया जा रहा था, ये वो बहन को पैसे नहीं दिए जा रहे थे कि हम ले देंगे तुम्हें ले देंगे, तो भाई उसने पैसे जहाँ पे भी करने हैं तुम्हारा मकसद ये है तो चीज़ का तो तुम उसे दे दो, मतलब इतना ज़्यादा था कि लोग कमा रहे हैं। और मैंने तो नसरुल्ला के ना वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखी, मैंने नसरुल्ला के वीडियोज़ नहीं देखती थी, क्योंकि पिछले दिनों में ये बासवीर के घर ही घुसा हुआ था बुलेट्स के, तो वहीं पर ये नज़र नज़र आता था, मुलाकात इससे होती रहती थी। ये बात अपने अपने मैंने देखी है इसके, तो इसके घर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही इतना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, इतना पैसा ये लोग जोड़ रहे हैं, ये पैसा कौन सी आग में डालते हैं, कहाँ रख रहे हैं। क्योंकि ठीक है वो बिना गर्दन का आदमी कहता है कि मैं आजकल पैसा बहुत कमा रहा हूँ और मेरा ये है कि मैं जल्दी से ज़मीन जायदाद वगैरह बना लूँ, क्योंकि उन्हें भी पता है ये हवाई रोज़ी है, आ गई आज यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये सब बंद हो जाएगा, मतलब हमें भी पता है कि कोई इतना भी वेला नहीं बैठा है कि इनकी वीडियो सब फेक दुनिया है तो चल रहा है सब, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो बंदे को अपना आप भी ठीक करना चाहिए ना, इतना ज़्यादा भी अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है ये है वो है, थोड़ा सा अपना आप ठीक रखना चाहिए ना बंदे को। तो उनके तो मतलब जगह जहाँ 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 सीमेंट लगा हुआ है वहाँ सीमेंट लगा हुआ, उस पर कलर भी नहीं उन्होंने करवाया हुआ, मतलब इस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, मतलब ठीक है। अब अच्छा जी अगली बात ये है कि बुलेट जी ने बहुत ज़्यादा ड्रामा लगाया था, बुलेट अपनी बुलुड़ी को उठा के लेके गया था बाजार, जहाँ से थंबनेल लगाया था अच्छा से वहाँ पर जाकर थंबनेल लगाया था उसकी बुलुड़ी ने, तो वो बुलुड़ी जी को उठा के लेके गया था और पेटा पेटा ले आया था, पेट पुट के हर चीज़ को वापस आ गए थे, तो पेटा पुटा वो कोई नहीं लेके गया, पेटा बेसिकली पता नहीं 40-50 हज़ार का वो कह रहे थे, उन्होंने कहाँ से लेके देना था, वो तो एक वीडियो बनानी थी अपना नाम करना था जी, हम इन्हें ये दे रहे हैं हम इन्हें वो दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई कोई कुछ उन्होंने दिया नहीं है कुछ नवाजता, जैसे फिर पर आके वो लोग घर आ गए। अच्छा जी अभी जी नसरुल्ला की एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें नसरुल्ला वीर ने मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को किया हुआ, इतना ज़्यादा ड्रामा करा, इसे कहता है मेरी बुढ़ी कहती है तुम जी जितने भी जाते थे चीज़ फड़ के खिलो जाते ऐसे करके ना, उसने वो पकड़ी हुई है टहनी पकड़ी हुई है दरख्त की, तो ऐसे करके मैं जी मैं पता किया मैं मैंने लगता जैलस होंगी है, तो मैं सोना ना मैं खूबसूरत है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत
इतना ज्यादा खूबसूरत, ओए हाय मैंने कहा इतना ज्यादा खूबसूरत था वो। अल्लाह बोल दिया। हाँ मैं तो हैरान रह गई, इतना ज्यादा खूबसूरत। अगर ये खूबसूरत है फिर तो हम जैसे लोगों को तो वैसे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। इतना ज्यादा खूबसूरत है ये आदमी तो, मतलब उसकी बात तो देखो जरा, मैं खूबसूरत है ना, इतना मुझे बुरा लगता है ना वो। और कुछ उसकी शक्ल ना मेरे किसी जानने वाले से भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, और मुझे वो भी बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मुझे वो भी बहुत बुरा लगता है। तो कल पास से देखा, अगर मैंने उसको देखा नहीं था तो जैसे जैसे मैं उनके और वीडियोस देखती जाती, सब चीज़ें देखती जाती, मैं आपको बताती रहूँ। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाज़त, बाय बाय।